एटीएम कार्ड का ऑनलाइन पिन जनरेट करने के लिए सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको ऑनलाइन एसबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको चले जाना है। यहाँ पे आपको लॉगिन पे क्लिक करना है और कंटिन्यू टू लॉगिन। यहाँ पे आपको यूज़र नेम, पासवर्ड, कैप्चा आपको डाल देना है यहाँ पे, और यहाँ पे आपको लॉगिन पे क्लिक करना है और इसको जहाँ पे आपको फिल कर देना है, कॉपी कर लेना यहाँ से। और जहाँ पे आपको डाल देना सबमिट, और जहाँ पे आपको इस पे लेटर पे क्लिक करना है, और जहाँ पे आपको थ्री डॉट दिख रहे होंगे ऊपर, उस पे ऊपर क्लिक करना है। और उसके बाद ई सर्विस पे चले जाना है। ई सर्विस के जाने के बाद आपको एटीएम कार्ड सर्विस पे चले जाना है। एटीएम कार्ड सर्विस और उसके बाद जहाँ पे आपको एटीएम पिन जनरेशन दिखाई दे रहा होगा इस पे क्लिक करना है। और उसके बाद यूजिंग वन टाइम पासवर्ड, आपको ये वाला ऑप्शन चूज़ कर लेना है। फिर से आपको वन टाइम पासवर्ड आएगा आपके लिंक्ड मोबाइल नंबर पे। फिर से कॉपी कर लेना है, सबमिट। कंटिन्यू। जहाँ पे आपको अपना अकाउंट नंबर सिलेक्ट कर लेना और जहाँ पे सबमिट कर देना है फिर से, और जहाँ पे आपको एंटर फर्स्ट टू डिजिट डालने हैं जो आपको अपने पिन के रखने हैं। नाइनटीन सबमिट पे क्लिक करें यहाँ पर, और देखिए रिक्वेस्ट इज 36। पूरा लिख देना है और यहाँ पे आपको सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करते ही आपका ये देख रहे हो, न्यू एटीएम पिन नंबर हैज़ बीन अपडेट सक्सेसफुली। अब आपका सक्सेसफुल हो चुका है जो आपने नया भरा था। थैंक यू।